कराची ओल्ड सिटी एरिया की 22,000 दुकानों में बरसाती पानी दाखिल, ताजरों को करोड़ों का नुकसान। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और वो भी कराची की प्राइम तरीन लोकेशन पर, तफसीलात जानना चाहेंगे नीचे दिए गए नंबर्स पे अभी हमसे राब्ता कीजिए। शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के बाद ओल्ड सिटी ट्रेडिंग एरिया में बरसाती पानी के रुके रहने के 22 इलाके की 60 से ज्यादा मार्केटों की 22,000 से ज्यादा दुकानों में पानी दाखिल हो गया और ताजरों के करोड़ों रुपए तबाह हो गए। पीर को मार्केट्स खुल गई, दुकानदार अपनी मदद आप के तहत अपनी अपनी दुकानों से बरसाती और गटर का पानी निकालने में मसरूफ है। पानी के सबब ताजरों ना सिर्फ करोड़ों रुपए का माल तबाह हो गया बल्कि पीर को ओल्ड सिटी एरिया में तजारती सरगर्मियां भी बहाल ना हो सकी। कराची ताजर इत्तेहाद ओल्ड सिटी एरिया के सदर SM आलम ने बताया कि ओल्ड सिटी एरिया में मुल्क की सबसे बड़ी थोक और कदीम कपड़े की इकबाल क्लॉथ मार्केट और शाह आलम मार्केट के व्यापारी बरसाती पानी दुकानों और गोदामों में दाखिल होने तबाह बर्बाद हो गए हैं। करोड़पति ताजर भारी नुकसान की वजह से सड़कों पर आ गए हैं। बारिश को रुके हुए 19 घंटे हो चुके हैं लेकिन मुतालका जिम्मेदार इदारे ओल्ड सिटी एरिया से पानी की निकासी करने में नाकाम रहे। बारिश रुके हुए 90 घंटे हो चुके हैं लेकिन मुतालका जिम्मेदार इदारे ओल्ड सिटी एरिया से पानी की निकासी करने में नाकाम रहे जिसकी वजह से इलाके की हर दुकान और गोदाम में बरसाती और गटर का पानी दाखिल हो गया। उन्होंने कहा कि ताजर पहले कोरोना वबा से मुतासर थे लेकिन अब इससे ज्यादा उन्हें बारिशों के बाद पानी की निकासी ना करके मुआशी तौर पर तबाह कर दिया गया है। बरसाती पानी ने हजारों दुकानदारों का करोड़ों का माल सत्यानाश कर दिया।